आम आदमी पार्टी के मंडी जिला में 6 अप्रैल को होने वाले रोड शो से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मंडी जिला के सेरी मंच पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने कांग्रेस को छोड़ आपका दामन थामा है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी तेजी के साथ सक्रिय हो रही है, वहीं आपने अपना सदस्यता अभियान भी तेज कर दिया है। आम पार्टी ने मंडी जिला के सेरी मंच पर एक कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा व देश की सबसे युवा सरपंच के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले जबना चौहान सहित सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आप में शामिल सभी लोगों को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी की टोपी व पटका पहनाकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कल मंडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो होने जा रहा है, जिसमें भगवंत मान जी भी आएंगे और काफी उत्साह है मंडी के लोगों में, आसपास के लोगों में। मैं भी पिछले 2 दिन से यहीं पर हूं, हमारी पूरी टीम यहां पर है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर इस बारी इलेक्शन लड़ने जा रही है, सभी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को पहले आना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, अब लेट आए हैं परंतु फिर भी ठीक है। लोग कह रहे हैं इस बारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाकर, क्योंकि बार बार उनसे दुखी हो चुके हैं, इस बारी आम आदमी पार्टी को मौका दें।